पर जन्नत हिरसी की वजह से छोड़ना पड़ी। यही तो कहा था कि अगर आप इस दरख्त का फल खा लेंगे तो आप भी बुलंद हो जाएंगे। कहा तीसरी और आखिरी बात, हिरस न करना और गुरूर न करना। दुआओं को कबूल कराना अल्लाह की बारगाह में, तो उस वक्त कबूल होंगी जब हमारे अंदर बातिन भी हमारा पाक और साफ हो जाए। जबान होना चाहिए साफ होना चाहिए, वैसे बातिन भी हमारा पाक और साफ होना चाहिए। इसने कहा है इमाम सज्जाद अलैहि सलातो वस्सलाम, कौन इमाम सज्जाद? इक्कीस साल हमारा इमाम रोता रहा और रोने का आलम क्या था, मैंने आज जो इमाम का चाहने वाला है एक दिन पहुंचा इमाम की खिदमत में, पीछे से देखा पानी टपक रहा है छत से, दरवाजे पहुंचे करीब को आवाज दी, कहिए पानी पीछे कैसे टपक रहा है? कहा पानी नहीं है, तुम्हारे इमाम के आंसू, ये तुम्हारे इमाम के आंसू हैं। इजाजत ली इमाम के पास पहुंचे, देखा आंखों से अश्क जारी है, सैल रवा जारी है, तो इमाम से जुमला कहते मौला कब तक रोइएगा, मौला कब तक रोइएगा, शहादत तो आपके घर की मीरास है। एक मतलब मिनहाल से इमाम तड़प के कहते मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। कहा मौला क्या हुआ? कि अगर शहादत हमारे घर की मीरास है तो क्या ये भी हमारे घर की मीरास है? कोई इमाम सज्जाद से पूछता था मौला सबसे ज्यादा गम कहां पहुंचा, तो मेरा मौला तड़प के कहता था अशाम अशाम अशाम, इसलिए माए बहने पलवाम मिलेंगे सब थी, और एक मुनादी निदा दे रहा था मिनहाल इमाम से गुफ्तगू कर रहा है, आगे रुखसत होने लगा तो मिनहाल ने इमाम मिनहाल कहां से आए हो? कहा का कातिल गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? मैं भैया ये सर का कातिल गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? क्या मौला वो तो भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं, इमाम आपने 35 साल गिरिया किया है, अपने बाबा का गम मनाया है, लेकिन आपने अपने बाबा के बारे में नहीं पूछा मेरे बाबा का कातिल गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ, अली अकबर के कातिल के बारे में नहीं पूछा कि वो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ, अब्बास के जिसने बाजू कलम किए थे उसके बारे में नहीं पूछा, जिसने कासिम के लाशों को पामाल किया उसके बारे में नहीं पूछा, ये सज्जाद ने अली असगर के बारे में क्यों पूछा कि मेरे भैया अली असगर का कातिल गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ? मैंने 10 से ज्यादा जोड़े मौला में सवाल कर रहा हूं कि आपने अली असगर के कातिल ही को क्यों पूछा? तो अजब नहीं इमाम जवाब दे, मैंने बाबा को कत्ल होते नहीं देखा, मैंने अब्बास के बाजू कत्ल होते हुए नहीं देखे, मैंने अली अकबर के पर्ची का फल लगते हुए नहीं देखा, मैंने कासिम का लाशा पामाल होते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने भैया अली असगर को अपनी आंखों से शहीद होते हुए देखा है। कहा मौला कब आपने शहीद होते हुए देखा? कहा भैया अली असगर वो है जो दो मरतबा शहीद हुआ है। कहा मौला कैसे? कहा एक मरतबा जब इमाम हुसैन अपने हाथों पर लेके गए हैं तो हरमला का तीर चला, अली असगर का गला छिदा, इमाम का बाजू छिदा। कहा दूसरी मंजिल क्या है? कहा जब 11 मुहर्रम को जब 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला चलने की तैयारी में था, शहदा के सर शुमार होने लगे, 71 सर थे, 72 सर नजर नहीं आया, तो पिसारे साथ ने कहा अली असगर का सर नजर नहीं आ रहा है जिसको हुसैन अपने साथ खेमे में लेके गए थे। 500 नेजा बरदार नेजा लेके चले, जमीन में नेजा गाड़ते जाते थे, एक नेजे के साथ अली असगर का सर बरामद हुआ, लाशा बरामद हुआ। इमाम ने देखा आगे आवाज जालिम इसके बजाय मेरे सर को जुदा कर ले, लेकिन सज्जाद के सामने अली असगर के सर को जुदा कर दिया गया, अली असगर तड़पते रह गए। तो इमाम हुसैन सज्जाद ने इसीलिए सवाल किया मेरा भैया अली असगर का कातिल गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ? ये बात हुई उधर मिनहाल, बस आखिरी जुमले सुन ले, मिनहाल कूफे पहुंचा, मिनहाल जब कूफे पहुंचा मुख्तार से गुफ्तगू हुई, क्या कहां से आ रहे हो? क्या इमाम सज्जाद के पास से आ रहा हूं, तुमको सलाम कहा है, और क्या पूछा है? अली असगर के कातिल को पूछ रहे थे, अभी गुफ्तगु हो रही थी कि अली असगर का कातिल गिरफ्तार होके आया। हरमला क्या हरमला बता तूने करबला में कौन कौन सा जुल्म किया है? क्या मुख्तार न पूछ तू बर्दाश्त न कर सकेगा? क्या जालिम बता कौन कौन सा जुल्म किया है? क्या तीन तीर मेरे कामयाब हुए हैं, पहला तीर जो मैंने मश्क सकीना पे मारा जिससे अब्बास की आस टूट गई, दूसरा तीर मैंने हुक्म में अली असगर पे मारा जिससे अली असगर शहीद हुए, और कहा तीसरा की कहा जब सैयदा का लाल आखिरी मंजिल में
اس وقت میں نے آخری تیر پیشانی حسین پہ مارا جس سے سیدہ بلال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا, گرتے گرتے آواز دی اے عباس آگے بھیا کو سنبھالو, بھائی کو نہ آ سکا ماں آواز پھیلا کے آگے بڑھی اے میرے لال حسین آجا میری آواش میں آجا, میں نے چکیاں پیر پیر اس کے بڑی محنت سے پالا تھا. تمام مشکلات کو دور فرما, پروردگار مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرما, جوار معصومین میں جگہ عطا فرما, پروردگار ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اہل بیت تحریم کا واسطہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما, جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما, پروردگار جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما, یا اللہ رزق حلال میں اضافہ فرما, رزق حرام سے محفوظ فرما, پروردگار جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما, یا اللہ اہل بیت طاہرین کا واسطہ محبان اہل بیت شیعہ اہل بیت جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پروردگار امام عصر کے ظہور کو تعجیل فرما, ہم کو ان کے مخلص غلام و شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک اعلان سماعت کر لیں, انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو محترم ضامن صاحب کے اشعار ثواب کے سلسلے میں ایک مجلس اعلیٰ منعقد ہوگی جس میں مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ لکھنؤ سے تشریف لا رہے ہیں, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں انشاءاللہ شرکت فرما کر ثواب لا رہے ہیں حاصل کریں. ماتم سے
Oh,